केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले कल से शुरू हो गई है। आज इस भर्ती का निरीक्षण केंद्रीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे पड्डल मैदान पहुंचकर भर्ती व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मिल रहे सहयोग के लिए उन्होंने आभार भी जताया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष देश भर में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए देश भर से 36,00,000 से ज्यादा आवेदन रक्षा मंत्रालय को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। पहले चरण में 25,000 जबकि दूसरे चरण में 15,000 अग्निवीरों की भर्ती करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस भर्ती का आयोजन 4 स्थानों पर किया जा रहा है ताकि युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अग्निवीर के रिक्रूटमेंट में हमें देश भर में 36,00,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी हैं और जैसे आपको मालूम है इस पहले फेज के दौरान इस वर्ष हम 40,000 अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं और पहले फेज में 25,000 और दूसरे फेज में 15,000 और यहाँ पे 4 रैलीज हिमाचल में हो रही हैं और उनका सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे इस अरेंजमेंट्स के लिए हमारे रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से तो पूरी तैयारी होती भी है, लेकिन इसमें हमें जो स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग मिला है उसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी और जिला प्रशासन का खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। जो भी ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। यदि किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है। बहुत जरूरी है, बहुत अहम मुद्दा है और इस बारे में आर्मी की तरफ से पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक बड़ा इसमें जो कदम उठाया गया है वो पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर दिया गया है और उसकी भी कल हमने समीक्षा की है। यहाँ पे पूरा डेटाबेस बना हुआ है और उसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो अंकित हो जाता है कि ये परिवर्तन किया गया है, तो वो किसी भी समय में जो है पकड़ में आ सकता है। दूसरा, इंडिविजुअल्स के आइडेंटिफिकेशन में इशू आते हैं कि एप्लीकेशन एक ही है और दूसरे किसी इंसान ने आके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। यहाँ पर आयरिस है, थंबप्रिंट फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसकी वजह से उस इंसान की अप्रोप्रिएट पहचान की जा सकती है, तो वो भी एक जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस चीज़ को भी नियंत्रण पे लिया गया है और आने वाले समय में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की कोशिश है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम पूरा इसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिलेक्शन करेंगे ताकि पारदर्शिता भी बनी रहे, एफिशिएंसी भी आए और इस तरह की कंप्लेंट्स को कोई भी उसका बेसिस ना रहे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।